नमस्कार दोस्तों, SOL और NCWEB की और रेगुलर की भी 2020 की, जिसके मई जून में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उसकी डेट शीट आ गई है। तो वो आप कहाँ से किस तरीके से डेट शीट देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, तो वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्टकट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी टच कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एडुट्रिक्स। तो क्रोम खोल लेना है और क्रोम खोलने के बाद आपने उसमें टाइप करना है सिंपली exam.du.ac.in। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम ब्रांच की वेबसाइट है, इसे आप खोल लेंगे तो आप एग्ज़ाम विंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पर आ जाएंगे। फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डेट शीट वाले टैग पर और आपके पास अब तीन ऑप्शन आते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो आप जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट शीट मई जून 2020। दोस्तों, क्योंकि मैं ये वीडियो अपने ऑफिस से शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा आपको एक्सटर्नल नॉइज़ सुनने को मिल सकता है, तो कृपया थोड़ा मुझे माफ़ करें और प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। तो टेंटेटिव डेट शीट है, ये फाइनल नहीं है, लेकिन जो फाइनल होती है वो भी इसके बिल्कुल आधार पर ही होती है। तो आप इसको मान लीजिए ये 90% तक आपकी डेट शीट यही रहने वाली है। इसमें आप जब हम जाते हैं तो हमें मिलता है, देखिए ये बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मैं सबके बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जिस तरह से ये CBCS वाले जो सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम हैं, जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया है, तो देखिए रेगुलर और सोल वालों के एग्ज़ाम BA के, फिर BCOM ऑनर्स के, रेगुलर के और सोल के, फिर इसी तरह से BSc है, BCOM है, BA है, तो ये इनकी डेट शीट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर CBCS जिन्होंने एडमिशन 15, 16, 17, 18 में लिया है और वो एग्ज़ाम दे रहे हैं 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर का, तो वो यहाँ से ये डेट शीट देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास मई जून में होने वाली टेंटेटिव डेट शीट है जो 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर है, semester 2, 4 and 6 के लिए, तो ये रेगुलर वालों की है। और इसी तरह से अगर हम और नीचे चलें तो यहाँ पर हमें NCWEB की भी वेबसाइट देखने को मिलती है, सॉरी उनकी डेट शीट देखने को मिलती है BA और BCOM वालों की, मतलब के BA और BCOM प्रोग्राम वालों की, जिनका एनुअल एग्ज़ाम होता है year 1, year 2 और year 3। तो यहाँ से आप ये डेट शीट देख सकते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको एक डेट शीट ओपन करके दिखाऊँ, तो जैसे ये BCOM वालों की है, BCOM ऑनर्स वालों की, रेगुलर और SOL की है, तो इसको, और जैसे ये BCOM सेमेस्टर 2 की है, रेगुलर की और NCWEB की, तो चलिए ये सोल वाली हम खोल कर देखते हैं। तो इसे अगर मैं खोलूँ तो ये इस तरीके से देखने को मिलता है और देखिए इस पर क्या मेंशन है, डेट शीट ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स CBCS Part 1 semester 2, जिन्होंने एडमिशन लिया है 2019 में और 2nd सेमेस्टर का इनका एग्ज़ाम है। तो सुबह 9 बजे ये पेपर स्टार्ट हो जाएगा और इनके 2 कोर पेपर हैं, कॉरपोरेट अकाउंटिंग और कॉरपोरेट लॉ। फिर इसके अलावा जो उनके और दूसरे जो पेपर हैं उसके लिए उन्होंने बैक जाकर अपनी फिर दूसरी वाली डेट शीट से, जहाँ पर उनके दूसरे पेपर हैं जेनरिक वाले पेपर, तो वो वाली उनको देखनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी की सभी आपके पास डेट शीट अवेलेबल हैं, जो आपके लिए रेलिवेंट हो आप वो डेट शीट यहाँ पर देख सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको लिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कई सब्जेक्ट्स की, जैसे इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़े रहिए, आगे मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।